हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके साथ में पौधा नहीं केवल फूल लेके आए हैं, और ये फूल इसका नाम जो है बोला जाता है केतकी का फूल, कुछ जगह में केवड़े के भी फूल बोला जाता है। इस फूल का क्या खासियत है, इसे भगवान पे चढ़ाया जाता है या नहीं चढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और इसी तरह के हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। लाइक के पैसे नहीं लगते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में तो एक लाइक बनता ही है। और ये बहुत ही पावरफुल जानकारी है, ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस फूल को हम अपने हाथ में लिए हुए हैं, इस फूल का आप जानकारी जानकर एक बार चौंकेंगे ज़रूर। तो चलिए नहीं देर करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये केतकी का फूल बोला जाता है, और ये फूल भगवान शिव पर क्यों नहीं चढ़ते हैं, ये केतकी का फूल भगवान शिव पर क्यों नहीं चढ़ते हैं, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे आपको। जैसे कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पर ये फूल का, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पर दोनों पर वाद विवाद हो गया कि आपसे हम बड़े हैं, और ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं आपसे हम बड़े हैं। तो इसी तरह बाताबाती करते हुए शिव भगवान पर गए, तो शिव भगवान बोले कि आप हमारे अंत का आप पता लगा लें, हमारे अंत का पता लगा लें, वही सर्वश्रेष्ठ बड़े होंगे। तो बिना देर किए हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी अंत का पता लगाने भ्रमण करने लगे, तो भ्रमण करके थक गए। जैसे कि विष्णु भगवान पूरा थक गए और आकर बोले कि आपका कोई अंत नहीं है, उसी तरह ब्रह्मा जी पूरा थक गए। फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम विष्णु भगवान से हम हार जाएं तो ये हम होने नहीं देंगे। तो इसी तरह खोजते 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 ब्रह्मा जी को ये केतकी का फूल दिख गया, केतकी का फूल दिख गया। अब इसे क्या किया, बहला फुसला कर ये केतकी का फूल को अपने माथे पर चढ़ाकर ले आए। लाने के बाद भोलेनाथ को बोले कि हम आपका अंत का पता लगा लिए हैं। तो भोलेनाथ जो हैं उसका कोई अंत नहीं है, तो भोलेनाथ गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए तो उनका एक ब्रह्मा जी का आप देखेंगे एक शीश नहीं है, ब्रह्मा जी का अंत करने वाले थे। तो सभी देवी देवता प्रार्थना करने लगे कि यदि ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तो उसका सृष्टि जो चल रहा है, सभी के हस्त्रिया भाग लेखा जो लेखा जाता है वो नहीं रहेंगे तो ये चीज़ कैसे होगा। तो सभी को मनाने के बाद शंकर भगवान का क्रोध शांत हुआ और एक मुंडी उनका खंडित हो गया, एक मुंडी उनका खंडित हो गया। और केतकी का फूल को श्राप मिला है कि ये फूल आप ऐसे भी देखे होंगे, ये फूल आपको मंदिर में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, या आप कोई भी माली के घर में नहीं देखे होंगे, या फूलों को दुकान पे भी जाते हैं ये फूल लाने के लिए तो ये फूल आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा। ये फूल आपका रोड किनारे जो बाग बगीचा में लगाता है, अधिकतर देखिएगा कि अपने गार्डन में भी ये फूल नहीं लगता है। यदि कोई मन शौकिया फूल लगा भी लिया है तो ये फूल इतना सुंदर है, पर इनका कुछ ऐसा श्राप है कि ताकि कोई भी देवी देवता पर नहीं चढ़ता, खास करके शिव भगवान पर ये फूल नहीं चढ़ता है। यदि कोई भी चढ़ा दे इसको तो ऐसा नहीं कि आपको श्राप लग जाए या आप किसी श्राप का भागी बन जाए, पर किसी का भी नज़र पड़ता है तो ये फूल उतार देता है। हम अभी तक मंदिर में ये फूल नहीं देखे, इसके बारे में हमें जानकारी हुआ तो हम सोचे आप लोग के साथ में हम ये बात शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको फूल पौधा का जानकारी देते हैं, पर ये फूल का हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ये फूल को हम आपको जानकारी देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये फूल यदि आप चढ़ा भी रहे हैं
तो कृपया ना चढ़ाएं। ये शिव भगवान का ठुकराया हुआ या ये फूल को शुभ नहीं माना जाता है, ये फूल नहीं चढ़ता। ये तो ऐसे तो माना जाता है ये प्रकृति का ही देन है, पर इस भोले बाबा को इस ठुकराया हुआ है यानी श्रापित है, ये फूल नहीं चढ़ता। ये फूल केतकी का भी बोला जाता है और किसी किसी जगह में केवड़े का भी फूल बोला जाता है। जो ये फूल हम दिखा रहे हैं इसी तरह का हर कलर का फूल आता है इसका, पर ये फूल आप देखकर पहचान लोगे। और इसी तरह का दो तीन कलर होता है, पर वो भी होता है केवड़ा का या केतकी का ही फूल होता है। तो कृपया आप इसे ना चढ़ाएं। भगवान का प्रकृति में देन का फूल का कमी नहीं है। ये फूल आप अपने घर गार्डन में यदि लगाते हैं तो केवल जैसे कि प्लास्टिक का फूल शो के लिए होता है, केवल ये शो के लिए रखिए, भगवान पर बिल्कुल ना चढ़ाएं। जैसे कि घर का देवी देवता में ना चढ़ाएं, लक्ष्मी पूजा में आप इसे यूज ना करें, और ख़ास करके भोले बाबा का या विष्णु भगवान का इस फूल से पूजा ना करें, ताकि आपको जो भी पूजा करते हैं ये आप अपने मंगल कामना के लिए पूजा करते हैं, तो आपका कोई भी पूजा करते हैं आपका मंगल कामना सफल हो। तो ये फूल के बारे में आपको बता रहे थे। यदि ये फूल आपको पसंद है तो आप घर पे लगा सकते हैं। घर पे लगाने का लिए इसमें कोई वर्जित नहीं है, केवल भगवान पे नहीं चढ़ाया जाता है। और इसका फूल कैसे लगता है, ये डंठल से लगता है। इसे आप डंठल से भी लगा सकते हैं और इस पौधे के ऊपर बीज भी आता है, तो ये बीज से भी लगता है और डंठल से भी लगता है। और इसे आप यदि डंठल नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा है, तो आप इसे फूलों को दुकान से यानी माली के यहाँ से ला सकते हैं। आप इसे लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इसमें कोई वर्जित नहीं किया गया है। बशर्ते आपको कौन सा ऐसा फूल है जो अपने घर में लगाएं और उस पर फूल नहीं दे रहा है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि गेंदा हो गया, चमेली हो गया, गुड़हल हो गया, या किसी पौधे में आपको फंगस लग रहा है और आप इस फंगस को भगा नहीं पा रहे हैं, या पौधे उगा या फूल को उगा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा फूल नहीं उगा पा रहे हैं, या ठंडा में कौन सा फूल ज़्यादा देता है और ठंडा में कौन सा फूल आप घर पे लगाएं से अधिक आप लाभ ले सकें, तो आप हमें कमेंट पे ज़रूर बोलें कि मैडम हमें ये फूल लगाएं और हमारे घर में नहीं हो रहा है। तो हम बहुत अच्छा एक का भी हम कमेंट का जवाब हर कोई का देते हैं, तो आपका भी हम ज़रूर देंगे, ताकि आप भी अपने घर पर फूल लगाएं और इस फूल को आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आप घर पर फूल लगाकर सेवा करके और उसे भगवान पर चढ़ाते हैं, तो वो आपका मेहनत किया हुआ फूल। और जो आप माली की दुकान से लाते हैं फूल तो ऐसे कि आप बेलपत्र बासी चढ़ा सकते हैं, तुलसी बासी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मंगल और शनिचर को या एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, पर बिना तुलसी का पूजा भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, जो तुलसी का आपका अगल बगल तुलसी झड़ जाता है उसको धोकर आप चढ़ा सकते हैं। उसी तरह की ये फूल जो होता है, अभी तक हम ग्रंथों में वासी फूल का हम नहीं देखे हैं, पर ये चीज़ हम देखे हैं कि माली जो बाहर से जो फूल मंगवाता है उसका बासी ही रहता है। इसलिए अधिकतर हम फूल का सेवा करते हैं और हमको फूल का सेवा करना या इसका पेड़ पौधा लगाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी इसमें मन लगाएं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और एक कर्म बनते जाएगा। जैसे कि आप गाँछ का सेवा कर रहे हैं या मछली का दाना डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। हम कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताते हैं कि एक मतलब बहुत बड़ा चोर था यानी डाकू था, एक दिन वो घायल हो गया था, पर वो जो है ना कि अपना घायल का या तबीयत खराब का ये चीज़ नहीं देखा और मछली को दाना डालने गया, तो उसी दिन उसका प्राण निकल गया। प्राण निकलने में जब उसको बोला कि बहुत बड़ा चंडाल है, बहुत चोर है, बहुत का मारता है, तो उसे बोला कि अंगारा में फेंक दो। पर वहाँ पर ही एक आदमी आया, बोला कि सारा पाप एक तरफ, पर ये कितने मछली को जान बचाते हैं, कितने मछली का आप ये दाना देता है, तो इससे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। तो इसी तरह हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बोले थे, इस
चीज़ के बारे में कि किसी चीज़ को आप सेवा आदि शिद्दत से करते हैं तो आपको भगवान जरूर ही आपको लाभ देगा। इस तरह का ये जो हम बात बोले हैं, आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।